बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अंकल। सबसे पहले आपके मम्मी पापा से, आपकी अम्मी अबू से बात करेंगे, उसके बाद फिर सारी बातें आपसे करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं हूं अजमत और मैं इस चैनल पे बच्चों के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा। आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चों को हम तरबियत कैसे उनकी अच्छी करें, उनको कैसे लिखना पढ़ना घर में सिखाएं, या फिर वो भी स्कूल में जाना शुरू हुए हैं तो उनको घर में हम होमवर्क कैसे करवाएं, उनकी पेंसिल की ग्रिप कैसे ठीक करें, हम उनको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर करें, उनको लिखना कैसे सिखाएं, उनको स्ट्रक्चर के मुताबिक कैसे लिखना सिखाएं, ट्यूशन भेजिए, कहाँ भेजिए, अभी छोटे हैं, ये सारे मसाइल हो जाएंगे आपके हल इस चैनल पे। क्योंकि यहाँ पे मैं मोंटेसरी शुरू करूँगा, यानी कि छोटे बच्चे जो भी स्कूल जाना शुरू है या फिर स्कूल नहीं जाते, जिनको आप घर में ही पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम उनका पेंसिल पकड़ने का, जो उनको पेंसिल ग्रिप नहीं है वो उनका तरीकाकार ठीक करेंगे। उसके बाद उनको लिखना सिखाएंगे, हरूफ तहजी लिखना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, साउंड्स ए ब ख ए बी सी सारा कुछ लिखाएंगे। उसके बाद उनको हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देंगे, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम उन्हें सिखाएंगे कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं और खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए, जब किसी के साथ मिलें तो क्या करें, दुआएं, हर चीज़, यानी कि मोंटेसरी शुरू कैसे होती है, बच्चों की तालीम स्टार्ट करना। बेसिकली कुछ वालिदैन समझते हैं कि ये जो मोंटेसरी है, पीजी, नर्सरी, प्रेपर, ये वैसे ही है, बच्चों की तालीम वन क्लास से शुरू होती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मोंटेसरी बेसिकली ये बुनियाद है। अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो फिर बिल्डिंग कैसे अच्छी हो सकती है? जब आपके बच्चे ने लिखना शुरू किया है तब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जो भी हम उसके माइंड में डाल देंगे वो पूरी ज़िंदगी उसको लेके चलेगा। तो क्यों ना उनकी जो जहन में अच्छी चीज़ें डालें, क्योंकि वही चीज़ें पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल की कोई भी वीडियो अपने बच्चों को बिना झिझक उनको मोबाइल पकड़ा दें, क्योंकि वो वीडियो उनकी तरबियत ही करेगी, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ही लाएगी और आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाएगी, आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगी। बच्चे, हम इस तरह से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, बच्चे शौक से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हम ड्राइंग के साथ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बच्चों को गेम के साथ, यानी कि बच्चे जुड़े रहें, उनको तालीम भी मिलती रहे और उनका दिल भी बोझल ना हो, उनका दिल भी तालीम से उठे ना, वो ये ना कहें कि क्या है हर वक्त पढ़ना लिखना नहीं। हम अंदाज ही ऐसा अपनाएंगे कि बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो सबसे अहम बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी, यानी कि वीडियो का मकसद जो होगा वो यही होगा कि आपके बच्चे की तरबियत की जाए और आपके लिए आसानी पैदा की जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वो वीडियो आसानी से अपने बच्चे को दिखा सके और आप भी फायदा उठाएं, अपने बच्चे को भी उससे फायदा उठाने दें। बस आप सभी के लिए यही मेरी वीडियो थी। बाकी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पे वो बच्चों के लिए होगी, यानी कि बच्चों की तालीम के हवाले से। हम वीडियो में कुछ ऐसी ड्राइंग बनाएंगे, कुछ ऐसा अंदाज अपनाएंगे जिससे बच्चा कोई एक चीज पिक कर ले और वो उसके जहन में हमेशा रहे। और याद रखिएगा कि हम बच्चों की तरबियत करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे हमारा आने वाला मुस्तकबिल। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा जो आइडिया है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों की तबीयत करने का, ये आपको कैसा लगे? अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी मुश्किल है छोटे बच्चों को लेके, कोई उनके पढ़ने के हवाले से, कोई लिखने के हवाले से, किसी भी उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता, वो पेंसिल अच्छी तरह से ग्रिप नहीं करता, वो आपकी बात नहीं मानता, वो कहता है मैंने ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, वो स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं लिखता, या फिर वो स्कूल नहीं जाता, तो आप परेशान ना हो, मुझे कमेंट करके बस अपना मसला बताएं और उस मसले के हवाले से मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और वो वीडियो ज़रूर आपका, अगर सारा नहीं तो कम से कम आधा मसला ज़रूर हल करेगी। अगर मसला आधा हल हो जाए तो आधा खुद बहुत हल हो जाता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।